गीतों को संगीतमय बनाने वाले बहुत ही अनुभवी संगीतज्ञ आदरणीय भ्राता हेमंत आचार्य जी मुंबई से हमारे बीच प्रस्तुत हैं। आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं और खुशी की बात है कि मेरे भी कुछ गीतों को आपने बहुत ही प्यारा संगीत दिया है और जहां वो बसते हैं तो जो वातावरण अलौकिक हो जाता है, जो रूहानियत आ जाती है, तो ऐसा लगता है परमात्मा का सारा प्यार बरस रहा हो। मैं ऐसे प्यारे हम सबके आदरणीय भ्राता हेमंत आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि अपना कुछ अनुभव हमारे बीच रखें और अपनी प्रस्तुति भी हमारे बीच रखें। हम करतल ध्वनि से भ्राता हेमंत आचार्य जी का हृदय से स्वागत करते हैं। ओम शांति। सभी बंधु एक बार मन से दिल खोल के परमात्मा को याद करके बोले ओम शांति। धन्यवाद मित्रों। इतना आनंददायक और अद्भुत ये दृश्य है। भाई सतीश गुप्ता जी ने और गोविंद भाई जी ने जो भारत फिर भरपूर बनेगा गीत गाया, जो उसके भाव हैं, उसके पीछे जो सद्भावना शुभकामना छिपी है, उसको अगर हम विचार करें और उस पर मनन करें और उसके लिए हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें तो भारत वापस स्वर्ग बन सकता है और ज़रूर बनेगा। ये शुभ भावना रख के हम अपना संकल्प रख के हम अपने शुभ कर्म अगर करें तो ऐसा ज़रूर होगा। मित्रों एक संगीत का छोटा सा विद्यार्थी मैं हूँ और गायक संगीतकार मेरा अपना व्यवसाय है, शौक है और मुझे सेवा का अवसर मिला है ब्रह्मा कुमारीज के लिए। मैं परम पिता परमात्मा का, शिव बाबा का हार्दिक दिल के अंतःकरण से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमात्मा आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना और मुझे इस लायक समझा। तो सबसे पहले परम पिता परमात्मा को धन्यवाद, आप जनता जनार्दन को कोटि कोटि प्रणाम और मंचस्थ महानुभावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगीत जगत की बड़ौदा की संगीत यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष अष्टापुत्र साहब विराजित हैं मेरे सामने, बांसुरी के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, शास्त्रीय संगीतज्ञ, मैं आप सबको नमन करता हूं, तबले के, गायन के। और चूंकि संगीत हमारी भाषा है मित्रों, मैं आपसे कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। कलाकार मंच पे रहता है, सबकी नजरों में रहता है, सबका मनोरंजन करता है और इसीलिए उनके लिए आदर्श भी होता है। और जो व्यक्ति आदर्श होता है, जिस पे सबकी निगाहें हो, हजारों आंखें जिसको देख रही हो, उसका अपना एक कर्तव्य होता है कि उसका आचरण, उसका व्यवहार इस लायक हो कि समाज उसको देख के कुछ अच्छी सीख ले, कुछ अच्छी बात सीखे, वो अच्छा आइकॉन, अच्छा आइडियल, आदर्श पुरुष बने, अच्छा कलाकार बने। और कलाकार, हम सब कलाकार ये कोशिश करते हैं कि ऐसा ही जीवन व्यतीत करें। कभी कभी जीवन में सफलता से या किसी भी एक बुरी संगत से ऐसा क्षण आ जाता है, कुछ आदतें ऐसी बन जाती हैं जो हमें हमारी कला को और हमारे एज ए इंसान के हमारे स्तर को कभी कभी नीचे गिरा सकती है। तो जो ऐसे दुर्गुण हो, हमें उनके प्रति अपनी सावधानी रखनी चाहिए, सभी को रखनी चाहिए। मगर कलाकार, चूंकि समाज का कला कहते हैं, साहित्य और समाज का, साहित्य और कला एक दर्पण होता है, आईना होता है। कोई समाज कितना उच्च है, सभ्यता कितनी उच्च है, उसका पता उसके साहित्य और उसकी कला से लगता है। तो इसलिए कलाकार का, रचनाकार का, साहित्यकार का ये कर्तव्य है कि वो अपने आचरण से, व्यक्तिगत आचरण से, उसकी पवित्रता से, शुद्धता से कुछ अच्छे मापदंड स्थापित करें। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद ईश्वर की कृपा से कुछ एल्बम्स, प्रभु शरण आओ, प्लेटिनम जुबली सॉन्ग और बहुत सारे, मेरे तो शिव बाबा, एक वर्तमान में भी सभी प्लेबैक सिंगर्स को लेके एक एल्बम बन रहा है, फाइनल उसकी मिक्सिंग चल रही है। मैं अपना अनुभव इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि हम जो रियाज करते हैं, हम, मेरे शास्त्रीय संगीता के मित्र जो हैं बैठे हैं, सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जब हम रियाज में बैठते हैं
और सुर लगाते हैं, सा भी लगाते हैं, तो हमारा योग लगता है। जो ब्रह्मा कुमारी भाई बहन योग में जब परमात्मा से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, और जब दयाल भाई हम सा लगाते हैं, आप मानिए वो एक ही बात है। इसलिए सारे गामा पाधानी, ये सात स्वर और हमारे शरीर के जो सात चक्र हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति सब लोग आप सब हैं ही, इसलिए आए, आप सब जानते हैं हमारे शरीर में इंसान को, मनुष्य की देह को सबसे दुर्लभ इसीलिए कहा है कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको इस शरीर में सात चक्र भी मिले हैं, जिनके जागरण से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा हमारे सब संत ऋषि मुनि कहते आए। और ब्रह्मा कुमारी में तो राजयोग में इतना सरल करके इस चीज को, सहज राजयोग करके समझाया गया है कि उसके लिए आपको और कठिन किसी साधना की भी जरूरत नहीं है। तो आप उन सेंटर्स पे जाएं, जरूर जाएं, एक बार तो जरूर जाएं और जाके समझें कि वहां कहां क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। आप देखिएगा कि आपको बहुत सहजता से कुछ बातें समझ में आएगी कि ईश्वर को इतना मुश्किल, इतना दूर बता दिया गया है, वो तो मिलता ही नहीं है, हजारों हजारों साल से पता नहीं कौन ढूंढ रहा है, कब से ढूंढ रहा है। आप जाके ढूंढिए, मन से ढूंढिए, आपको मिलेगा, उसके होने का एहसास होगा, ये मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। और एक कलाकार के नाते कुछ अनुभव एक दो मिनट में जरूर बताऊंगा कि जब मैं इस एल्बम को प्रभु शरण आओ को कंपोज करने बैठा, बाबा से मैंने योग किया और कहा कि बाबा ये धुन आपको बनानी है, आप विश्वास कीजिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, फिल्म का हो, एल्बम का हो, तो बहुत कुछ सिटिंग्स होती हैं गीतकार के साथ, डायरेक्टर के साथ, सिचुएशन पे सब कुछ, मगर जब भी बाबा का गीत मैंने बनाया है योग के बाद बैठा हूँ, तो एक मिनट के अंदर, एक मिनट से ज़्यादा धुन बनने में वक्त नहीं लगा है, एक मिनट से ज़्यादा, जो कि मेरे बस का काम नहीं है, वो परमात्मा का कृपा है, उससे ऊपर से वो धुन उतरी और मुझे जैसे कोई गा के बता रहा है। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, खासकर कलाकारों से, कि आप जब भी अपनी परफॉर्मेंस दें, आज भी आप अनुभव कर सकते हैं और जब भी करें, आप परमात्मा को अपने मन में जरूर याद करें, ये मत सोचें कि आप बजा रहे हैं, आप कोई धुरंधर हैं, आप बहुत महान हैं, उस क्षण भूल जाइए, उस परम कलाकार को याद कीजिए कि मैं आपकी कृपा से गा बजा रहा हूँ, मेरा अपना मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। जब आप विनम्र भाव से ऐसा कहेंगे और मानेंगे, तो आप विश्वास कीजिए उस दिन आप अपने जीवन की बेहतरीन प्रस्तुति देंगे। बस मैं चंद शब्दों में यही कहना चाहता हूँ, बहुत लंबा कार्यक्रम है और जिनको मुझे सुनना है, बड़ौदा कला और संस्कृति की नगरी है, एक से एक गुणी लोग हैं और उनका कार्यक्रम है, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। बस चंद लाइनें गीत की मुझे आदेश हुआ है, अभी साज नहीं है, पर मैं सुरेश वाडेकर जी से जो ये गीत मेरा भी प्रिय है और यूट्यूब पे आप देखें तो लाखों लोग उसको सुन के अपना योग करते हैं, और सतीश भाई जी की कलम से निकला हुआ वो बहुत बेहतरीन गीत है, आज जोरदार तालियां हमारे सतीश भाई जी के लिए बजाइए। ये ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने हजारों गीत रचे हैं, वो हर दिन सुबह एक गीत लिखते हैं। आप सोचिए कि बड़े से बड़ा गीतकार भी हमारे इंडस्ट्री में हो, कोई भी प्रतिभा हो, वो रोज एक गीत इतना क्वालिटी का नहीं लिखता है, ना लिख सकता है। ये ऐसे चंद महान जो लोग हैं जिन पे ये प्रत्यक्ष बात है कि ईश्वर की सीधी कृपा है, तो मैं ये आपके सामने जीते जागरे उदाहरण है, इसलिए जोरदार ताली आप सतीश भाई के लिए बजाएं और उन्हें आशीर्वाद दें, उनकी कलम यूं ही चलती रहे और विश्व को एक से एक सुंदर योग के गीत मिले। भाई विवेक जी जो इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, उनकी कलम से भी बहुत बेहतरीन गीत, मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, और मेरे परम पिता परमात्मा अभिजीत जी का गाया हुआ, अलका जी का गाया हुआ बहुत बेहतरीन गीत, सोनू निगम जी का गाया हुआ तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, वो विवेक भाई जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां, सतीश भाई के लिए, और अभी भी कुछ सीडी बन रही है उसके लिए आप योग करें, आशीर्वाद दें। मैं एक स्थायी अंतरा कहके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा,
का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। मस्त पवन ये खिला चमन ये दिन, और ये दिन मान मिला ये तन मन ये जीवन, तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आप सब मेरे साथ गाएं, आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ, आओ प्रभु शरण आओ। थैंक यू। गोविंद भाई का एक आग्रह है, एक नई सीडी की एक बहुत पसंदीदा गीत है, वो भी सतीश भाई के शब्द हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, केवल स्थाई आपको सुनाऊंगा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। आप सब कहें धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।